आज मानयोग आज मानयोग रसायन ते खाद मंत्री श्री जेपी नड्डा जी नाल मुलाकात हुई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा है कणक दे विच देश दे विच लगभग 50% का योगदान पाउंदा। मेरे कोल अंकड़े ने 22-23 च 51% सी 51%, 23-24 च 46%, 24-25 च 46.8%, मतलब 50% दे लगभग असी कणक दा जिहड़ा भंडार है वो देश नूं दिंदे आ। हालांकि कणक जिहड़ी है वो साडी अपनी भी खुराक है, असी सारी नहीं बेचते, असी घरे भी रखते हैं अपने खाने लई, जां फिर साडे जिहड़े पंजाब दे वासी ने चाहे वह खेतों काम करते मजदूर ने उन्होंने भी कणक तो चाहिए, पर कणक देश नूं भी चाहिए है PDS वास्ते। तो अज असी नड्डा साहब ने गल की है कि कणक वास्ते DAP की लोड़ होंगी। मैं खुद कणक बीजदा रहा, जाता फिर कणक के बीज के DAP रलाओगे मैनुअली हत्था नाल, जां अजकल मशीन आ गई कि जिहड़ी अगली रैक है उहदे विच DAP होगा, पिछली दे विच बी होगा, तो जिहड़ी मशीन चलूगी वो दोनों चो एक एक दाणा चकूगी। तो सानू जिन्ना DAP चाहिए पर मंथ जां जिन्ना सानू स्टॉक चाहिए वो साडे कोल अजे तक पहुँचया नहीं। सानू 4,80,00,000 मीट्रिक टन चाहिए, जिस 3,30,000 साढ़े को पहुँच गया, 1,50,000 का गैप है। मंत्री साहब ने गल की कि वो 1,50,000 भी सानू जल्दी दे दो। इस तो पहला भी मैं मंत्री साहब ने काफ़ी देर पहला गल की सी, उदे करके मेरे को अंकड़ा पर डे का भी है कि हर रोज़ साढ़े को कि आता। तो मंत्री साहब ने भी दस्या, उन्होंने अफसर ने दस्या, पॉजिटिव माहौल गल हुई है। 70% DAP अपना देश जिहड़ा वो इंपोर्ट कर दिया, मोराको तो, जुडान तो, सऊदी अरब तो, रशिया तो, चाइना तो। सो इस बार क्योंकि रशिया च जंग लगी है, कुछ मोराको दे विच कुछ घरेलू जिहड़े होती जिहड़ा कंट्री आउंदी समुंदरी कुछ रस्तियां दा रैड सी दे विच कोई दिक्कत आने तो घट आ रहा। मैं उन्होंने कहा कि क्योंकि साडा सीजन जिहड़ा है 10 नवंबर तो 15 नवंबर तक ही असी बीजनी होंदी है कणक, सानू तो 15 नवंबर तक चाहिए, बाकी देश के सूबे जिहड़े ने उन्होंने लेट भी चाहिए होंदा, तो सानू पहला दे दो, असी तो 50% के कंट्रीब्यूटर हाँ, सानू पहला दे दो, बाद जिवें जिवें तुहानू शिप आउंदे रहणगे उवें उवें तुसीं दूसरे सूबे नूं दिंदे रहो। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पोंस दिता कि असी पंजाब नूं प्रायोरिटी ते रखांगे। मैं कोई क्राइसिस दे विच नहीं आया, पर क्राइसिस आ ना जाए मैं तां आया कि मेरा फर्ज बनता कि कोई मुद्दा अज तो 20 दिन बाद जिहड़ा कोई क्राइसिस ना आवे मैं उहदे लई अज ही गल करां। तो मैनूं उम्मीद है कि आने वाले दिनों दे विच, हालांकि दिवाली है, विश्वकर्मा डे है, कुछ लेबर भी छुट्टी ते जाऊगी, पर असीं कहा भी सानू जिन्नियां सानू पर डे ट्रेनस चाहीदियां ने अपना DAP दियां वो सानू दिओ। तो उन्होंने भरोसा दिता कि मैक्सीमम जिहड़ा स्टॉक साडे कोल पिआ वो पंजाब नूं चाहिए। कुछ सैंपल भी फेल होए सी वो भी वो तो चौलां दे नहीं DAP दे जिहड़ा होए सो बाकी प्रक्योरमेंट की गल अज कल साड़ी 3,50,000 लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन की प्रक्योरमेंट हुई सी, अज 4 क्रॉस कर जूगी लिफ्टिंग जो लिफ्टिंग है। तो कोई इदा की गल नहीं, कोई मतलब हो सकता किसी एक जिले च कोई इदा की दिक्कत हो, पर
मैं पहला भी गल कर चुके हैं, प्रहलाद जोशी जी ने अज भी गल हुई है, अमित शाह जी ने अज गल हुई है कि जो लिफ्टिंग है वो प्रॉपर प्रबंध करो, तो जो पुराना चौल पे है वह भी साडा जिहड़ा एफ सी आई का सारा सेंटर नाल संबंधित है, तो असी मिल के सारा सी ये जिहड़ा केओस है थोड़ा बहुत क्रिएट हो गया वो ठीक करांगे। बाकी मेरी बेनती किसान यूनियन नूं कि सड़कां ते बहना कोई बहुता ज़्यादा लोगों को तंग करना या कोई हर गल ते फिर ज़्यादा हो जाता, कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सानू भी पता है समस्यावां दा मुश्किलां दा, पर जिमें जिमें साढ़े कोले मंडिया च झोना आ रहा खरीद हो रही है, सीसीएल रही पैसे जा रहे हैं, तुल भी रही है, आड़तियों दी समस्यावां हल ने, कल शैलरां दी प्रॉब्लम है वो सेंटर नाल है, तो हर गल ते मतलब अज असी हाईवे रोकांगे, अज असी फिर कहंदे जी मजबूरी है, इदां ना करो। अभी एक सवाल कि सेलर आए थे और मुलाकात करने आए, प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई, उनका कहना है कि जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको फायदा हुआ, सेलर की समस्या उनकी समाधान। देखो ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, मैं भी लेके आया था उनको दो बार कि उनकी समस्याएं हल करो, चाहे वो ड्राई एज का है जो सूख जाता है धान जो है, कौन सी वैरायटी कितना सूखती है ये तो मई में पता चलेगा, 67 किलो का रूल है, अब वो 65 किलो रहती है, 63 रहती है, 64 रहती है, ये तो बाद में पता चलेगा, वो तो बाद में हल करेंगे, लेकिन हमने एग्रीमेंट जो किया उसमें हम ये कहने के लिए भी यहाँ तक तैयार हैं कि अगर सेंटर 36 जो आने वाले साल का 36 तक अगर सेंटर नहीं उठाएगा तो सेंटर के ब्याह पर मैं गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम उठा लेंगे जहाँ मर्जी हम उसको लेके जाएं। जो अगर उनको सेंटर कोई ऐसा जो कंपनसेशन है या उनका जो सहूलत बनती है वो नहीं देगा तो मैं देने को तैयार हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर भी अगर आपने कहना कि मैं मतलब एक मिडिल सीजन में सीजन के बिल्कुल बिचकार में मैं बोरी नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये तो ऐसा नहीं चलता है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बिट्टू जी आज कुछ बोल रहे थे, जी बोल रहे थे कि आप कभी मंडी नहीं गए। मैं मंडियों में रहा हूँ जी, बिट्टू जी को मंडी का क्या पता है, मैं रही मैं पैदा ही मंडियों में हुआ हूँ, और जो आंकड़े दे रहे थे उनको चाहिए, अब मंत्री बन गए हैं कम से कम अफसरों के साथ बात करके सही आंकड़े पेश करें कि कितना धान हर रोज आता है, कितना बिकता है, कितना तुलता है, कितना उठता है। आप ऐसा करना, बिट्टू जी को पूछना कि झार की होंगे, कहते झार बेचे, उन्होंने पूछो ये सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको पता क्या पता मंडियां क्या होती है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से तमाम तैयारी, सर सबकी तैयारी है, लोगों की भी तैयारी है, और बाकी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। मतलब जो अकाली दल के साथ हो रहा है वहाँ पे और तमाम जो पंथक राजनीति हम देखने को मिल रही है हमें, लेकिन मुझे इतना पता है, देखो 2014 में मैं राजनीति में आया था, आज 2024 10 साल में वो जो कह रहे थे ना अहंकार राज करेंगे 25 साल, आज उनके पास 4 बंदे नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ सकें, भागे हैं वो मैदान से। देखो धार्मिक मामलों में कभी नहीं पड़ता, लेकिन श्री अकाल तख्त साहब ने इलेक्शन लड़ने पे तो पाबंदी नहीं लगाई ना, क्या 105 साल में एक नेता पैदा नहीं हुआ कि अगर वो नहीं है तो उसके बिना इलेक्शन लड़ सकें। और सुखबीर बादल को जरनैल बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा उसने जंग जीता है जरनैल, उसने तो डुबोए ही है बेड़ा अकाली दल का, हो सकता है सुखबीर बादल के बिना ज़्यादा वोट पड़ जाते, एक बार चेक तो कर लेते। सुरजीत पात्र जी का एक शेर था, अकाली दल ने वो शेर झूठा करता, पात्र साहब ने लिखा सी इन्ना सच ना बोल कि कल्ला रह जावे, 4 बंदे छड लै मोढ़ा देन ली, पर जो अकाली दल का हालत है हुण उस समय कह सकदा कि इन्ना झूठ ना बोल कि कल्ला रह जावे, 4 बंदे छड लै जिमनी चोण लड़न ली। सर, पोल्यूशन पे